हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास डेल का लैपटॉप आया है जिसमें प्रॉब्लम है। इसका DC जैक टूटा हुआ है, ये हमने आधा खोल लिया था, फिर हम इसकी वीडियो बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे देखोगे इसका DC जैक बिल्कुल फिजिकली खराब हो रखा है, उसी को हम चेंज करते हैं। यदि ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है डेल के लैपटॉप में तो क्या सिचुएशन बनती है? सिचुएशन ये बनती है, आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, आपकी प्लग इन में एरर देगा, यानी आपका चार्जर यदि प्लग इन होगा तो वो एरर देगा कि आपका कम वोट का लगा हुआ है या चार्जर अननोन लगा हुआ है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है यदि हमारे DC जैक में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही हम खोल के आपको दिखा रहे हैं कि इसको कैसे रिपेयर करते हैं, इसको कैसे चेंज करते हैं। यदि आपके पास कोई भी लैपटॉप हो और लैपटॉप में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप सूरज कंप्यूटर्स पे कर सकते हैं इंक्वायरी। हमको आपको जानकारी भी देते रहते हैं आपको, जैसा कि भाई क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसा भी हमने आपको बताया वीडियो में कि DC जैक में यदि प्रॉब्लम होती है तो हम क्या चीज फेस करते हैं, जैसे कि प्लग इन नॉट चार्जिंग, आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी, आपका जब ऑन करेंगे तो लैपटॉप एरर देगा। और ये आपको दिखाई रहे हैं कि DC कहाँ पे होता है, ये आप देखोगे इसका DC जैक होता है, जो आप देखोगे फिजिकल तरीके से दिखाना सर एक बार, जो ये पूरा फिजिकल आपका टूटा हुआ है। अभी इसमें हम नया DC जैक लगाएंगे तो वही दिखा रहे हैं आपको। ये इसका कनेक्टर है, कनेक्टर पर हाथ लगाओ सर, ये कनेक्टर होता है इसका जहाँ पे हमारा DC फिट होता है। ये आप देखोगे हमारा आ गया है DC में लगा के AC अडेप्टर 65 वाट। तो ऐसी ही प्रॉब्लम इनमें आती है। यदि आपके पास भी कोई लैपटॉप है तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। DC वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, चार्जिंग वगैरह का कोई भी इश्यू हो, आपका डेल का लैपटॉप हो, HP का लैपटॉप हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा लैपटॉप रेडी हो गया है। धन्यवाद।